हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है हमारे गवर्नमेंट वैकेंसी इन्फो चैनल में। आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पीएससी 2018 प्री मार्क्स और मैन ऑनलाइन फॉर्म 2019। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पीएससी इलाहाबाद ने इनवाइट कर दिया, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है प्री लीग 2018 मार्क्स और कौन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और कौन कौन से कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, एग्ज़ाम डेट मेंस क्या है और कंप्लीटली फॉर्म फिलअप डेट क्या है और नेक्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम भी क्या रखा गया है और इस एग्ज़ाम को कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, टोटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एक एक वैकेंसी के रिगार्डिंग और एक एक पॉइंट के व्यू के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं। जी हाँ, तो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्टिंग जो डेट है वो 7/5/2019, जी हाँ 7 मई 2019 रखा गया है। और लास्ट बात किया जाए लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट ऑनलाइन का 16/5/2019, यानी कि 16 मई 2019 रखा गया है। और लास्ट एग्ज़ाम फी पे का बात किया जाए, एग्ज़ाम फी का बात किया जाए, 16/5/2019 रखी गई है। और लास्ट कंप्लीटली फॉर्म जो डेट है 16/5/2019 रखा गया है। और बात किया जाए लास्ट डेट, यानी कि लास्ट स्टेप रिसिप्ट हार्ड कॉपी, यानी कि कम्प्लीटली फॉर्म जो हम लोग सेंड करेंगे वो लास्ट डेट रखा गया है 29/5/2019, यानी कि 29 मई 2019 रखा गया। और नेक्स्ट बात कर लिया जाए ऑनलाइन अप्लीकेशन फी को लेकर, तो जनरल और ओबीसी के लिए 185, यानी 185 रुपया रखा गया है मात्र। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 105, यानी कि 105 रुपीज ऑनली रखा गया। और पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये रखा गया है। और इस एग्ज़ाम फी को आप एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या चालान के द्वारा भी आप पेड कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 917 रखा गया, यानी कि 917 रखी गई है। जी हाँ दोस्त, नेट बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो जिन्होंने इस प्री एग्ज़ाम 2018 को दिए थे, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, वही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों इस वीडियो में, तो एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर दो ही जगह रखा गया है, प्रयागराज राज और इलाहाबाद प्रयागराज जो है, और एक लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यही दोनों जगहों पर एग्ज़ाम होगा। और नेक्स्ट बात किया जाए तो फिलअप, आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है और मार्क्स जो प्री एग्ज़ाम 2018 में आपका एग्ज़ाम दिए थे उसका मार्क्स जो आया है वो कैसे आपको देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी का सारी दे दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको मार्क्स कैसे देखना है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप थ्रू आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन का भी आपका लिंक दे दिया जाएगा। तो बात करा किया जाए हाउ टू फिल एप्लीकेशन, तो कैसे हम अप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको ओपन करना है मैन अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जाएगा, और उसमें आपको इंटर करना है, यानी कि फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी से रिलेटेड। जी हाँ, और इसके बाद आपको उसमें रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि जो आप प्री एग्ज़ाम में मोबाइल नंबर जो आप दिए थे आपको वही नंबर आपको इसमें फिलअप करना है। और आपको एक ओटीपी कोड मिलेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो आपको इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है और इससे रिक्वायरमेंट जो है इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। और इसके बाद आपको
अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना, यानी कि सबमिट करने के बाद आपका अप्लीकेशन फॉर्म का जो है आपको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकाल लेना है, और इस कॉपी को आपको जो सेंड करना है UPSC ऑफिस इलाहाबाद, यानी कि जो लास्ट डेट इसका है 29 मार्च 2019, जी हाँ 29 मई 2019 को पहले आपको इसको सेंड कर देना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर आप शेयर कर दीजिए। बाकी चलते हैं, सो थैंक्स वेरी मच।